लूटा हो गया तुम्हारा काम? तुमने जिद की इसीलिए हम यहां आए। आप पूरा दिन यहां तो नहीं बिता सकते ना? हाँ मुझे पता है पैट्रिक, बस भी करो। मुझे तो विश्वास नहीं होता। कहने को तो कैनन हाई स्कूल साइंस टेक्नोलॉजी क्लब के हेड हो, पर समर कैंप के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो तुम। एडिसन म्यूजियम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है आप सब दुनिया भर में मशहूर आविष्कार करने वाले एडिसन को जरूर जानते होंगे। एडिसन बहुत ही प्रख्यात इंसान थे। बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के बाद उन्होंने पावर स्टेशन बनाया और हर घर तक बिजली पहुंचाने का सिस्टम तैयार। मैं तो वाकई हैरान हूँ, एडिसन कितने टैलेंटेड थे ना। देखो ना, उनके एक ही आविष्कार ने दुनिया बदल डाली। हाँ सच है, पर सब इस बात से प्रभावित हुए हो ऐसा नहीं लगता। जरा ये देखो, जाने से पहले हमें इस रेस्टोरेंट के शुरस कार्य को जरूर आजमाना चाहिए। ओह मैं इसे याद रखूंगा, मार्क कर लेता हूँ। क्या ये वाकई सच है? हे रूटा, पैट्रिक इधर देखो, एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जो आत्माओं से बात कर सके। क्या तुम्हें पता थी ये बात? हाँ, नहीं, मुझे तो ये पहले तो से ही पता है। किसी भी ज्यादा चिल्लाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एडिसन ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब ऐसे मजाक में किया होगा। मैंने कहीं सुना था एडिसन अक्सर न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स को बेवकूफ बनाया करते थे। लिखा है एडिसन ने आत्मिक शक्तियों से दोस्ती करने की मशीन बनाई थी। ओह वाओ, लगता है ये मशीन उनके लिए काफी मायने रखती थी। क्या बोल रहे हो रोबर्टो, ये मत भूलो कि तुम और मैं साइंस टेक्नोलॉजी क्लब के मेंबर्स हैं। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जरा लॉजिक की बात करो। काफी देर हो गई, अब हमें यहां से चलना चाहिए। चलें? हाँ। पैट्रिक को तो बस चढ़ने की आदत पड़ गई है। जब एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया तो जो पहला गीत रिकॉर्ड किया गया वो था मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। आइए हम सब वही गीत गाएं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रेस्टोरेंट यहीं कहीं होना चाहिए था। मुझे लगा था रोबर्टो पर हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। रोबर्टो वो नक्शा मुझे दो, तुम मैं बताता हूँ तुम्हें रास्ता कहाँ से ढूंढना है। एक मिनट रुको। ओ, अच्छा अब मैं समझा, हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। दिखता नहीं तुम्हें, क्या कर रहे हो ये? मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लाई हूँ। क्या तुम जानते हो? नहीं तो? तो फिर ये संदेश एडिसन ने भेजा है, संदेश जो आत्मा की दुनिया से आया है। क्या बकवास है सब, चलना से। रुको, पहले देखने तो दो। क्या देखना है पैट्रिक? इससे पहले कि मैं देखो देखो, मैं एक ओझा हूं, मेरा काम है आत्माओं से बातें करना। लेकिन मैं हमेशा मशहूर लोगों से ही बातें नहीं करती। मैं हूँ एडिसन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। तुम्हें एक आविष्कार करना होगा आत्मा की दुनिया के लिए। ये सब ढोंग कर रही है। अपना हाथ दो। हाँ।
बिल्कुल यही तो था जो मैंने एडिसन म्यूजियम में देखा था। कमाल का है ये। तुम ठीक तो हो रूटा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये वही होगा जो क्या होगा? मैंने जो देखा वो जरूर आत्मा फोन बनाने का ब्लूप्रिंट होगा। तुम्हारा मतलब वैसा ही जैसा हमने म्यूजियम में देखा था? कम ऑन, क्या फिजूल की बातें कर रहे हो तुम? इतना मजाक भी ठीक नहीं है। वाह, ये तो बड़ा कूल होगा। रॉबर्टो, मैंने सारे इक्वेशन फॉर्मूलाज और उसके चित्र भी देखे थे। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो तो जापान वापस पहुंच जाए, फिर उसे लैब में बनाते हैं। पागल हो गए तुम लोग? और इस काम में तुम हमारी मदद करोगे? सवाल ही नहीं उठता। मुझे कहा गया है कि तुम ये मशीन अकेले नहीं बना सकते। क्या? तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। ऐसा कोई जो मेरी मदद करे? ऐसा कौन होगा? ओह, समझ गया। हो सकता है हमारे क्लब के सुपरवाइजर हमारे काम आए। वो काफी जाने माने साइंटिस्ट हैं। वो हमारी मदद कर सकते हैं, क्यों है ना पैट्रिक? मैं ये सब झमेले में नहीं पड़ने वाला। रूटा, क्या मैं अंदर आ सकता? हाय रॉबर्टो, आओ अंदर आ जाओ। ओहो, तो ये है तुम्हारा प्राइवेट लैब? हा, आत्मा फोन बनाने के लिए इससे बढ़िया जगह दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, सच में। एक बार फिर से सोच लो, अगर सुपरवाइजर को इस बात का पता भी चला तो तुम्हारी क्लब से छुट्टी समझो। हाँ, बिना सिर पैर के प्रयोग करने पर तो वो भड़केंगे ही ना। और उस दिन के बाद से तो पैट्रिक भी मुझसे बात नहीं कर रहा। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? बिना कोशिश के इस आविष्कार को मैं यूं ही नहीं छोड़ना चाहता रॉबर्टो। मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है, तुम बाकी लोगों से वाकई अलग हो। मेरा दिल करता है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम करूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यूको, कैसे हो रॉबर्टो? हाय यूको, उस दिन तुमने वाकई बहुत अच्छा खेला था। चलो फिर से एक आध मैच हो जाए। एक मिनट रुको, याद है तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि तुम धार्मिक स्कूल जाती हो? हाँ, पर क्यों? तो फिर तुम्हें आत्मा की दुनिया के बारे में काफी कुछ पता होगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि हमें किसी के मदद की जरूरत होगी। हो सकता है यूको हमारी मदद कर सके। हा? मुझे पूरा यकीन है, इसे भी हमारे साथ शामिल कर लेते हैं। ये सब तुम क्या कह रहे हो? दरअसल यूको, बात यह है कि हम एक आत्मा फोन बनाने के बारे में सोच रहे थे। क्या कहा, आत्मा फोन? वही फोन जो एडिसन ने बनाने की कोशिश की थी? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने कल रात ही इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था और मुझे लगा वाकई में एक कमाल का आइडिया है। देखा, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि इसे भी इसके बारे में पता है। यही है वो जो हमारी मदद करेगी। तुम हमारी मदद करोगी ना यूको? क्या तुम हमारी मदद करोगी यूको? मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छे। तो इसी वजह से पैट्रिक भी यहाँ आया है। पैट्रिक आया है? मैंने उसे तुम्हारा पता पूछते हुए देखा, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? प्रोफेसर से मेरी कंप्लेंट करने वाले हो क्या? तुम लोग तो जानते ही हो, मुझे इन आत्माओं जैसी अवैज्ञानिक बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, पर मैं वैज्ञानिक सबूतों पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा ये साबित करने के लिए कि आत्माओं का वजूद नहीं होता है, ये तजुर्बा करके देखना चाहिए। इसके अलावा अभी तक हमने सारे काम एक टीम की तरह किए हैं, है ना? मुझे गलत मत समझना, लेकिन इन तजुर्बों में काफी बेवकूफ़ी है, पर मुझे पता है तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आ गया। सीधे सीधे बोलो ना कि तुम हमारे साथ शामिल होना चाहते हो। तुम कितने जिद्दी हो। पैट्रिक, अब से ये हमारी लैब है जहां हम सब मिलकर काम करेंगे।
तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? सिर्फ इसी इक्वेशन से तो काम नहीं बनेगा ना, कुछ और भी करना होगा। दरअसल मैंने उस इक्वेशन को ध्यान में रखकर एक ब्लूप्रिंट बनाया है फिलहाल के लिए। ओह वाओ रियोटा, तुम तो जीनियस हो। लगता है इसकी कोशिश करनी ही चाहिए। और ये है जनरेटर। रोबर्टो तुम तो इस काम में माहिर हो, मुझ पर छोड़ दो। और ये देखो दोस्तों, ये रहा सेंसर। इसमें कोई शक नहीं कि ये इस आविष्कार का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन पैट्रिक, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। सच में ये सब कितना शानदार है। हाँ, मैं खुद भी हैरान हो गया हूँ। मगर अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा, मिसाल के तौर पर एनहेंसमेंट सिस्टम, जिसकी पावर को बढ़ाकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, एकदम सही वक्त पर आई हो यूको। हम बस अभी आत्मा फोन चलाकर देखने ही वाले थे। अरे वाह, तो क्या फोन तैयार हो गया? उम्मीद तो यही है। क्या हमारा काम पूरा हो गया? रात भर तो तुम जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे रोबोटो, शायद उन्हें सुन के मेरी भी नींद लग गई थी। हाँ तो दोस्तों, चलो इसे टेस्ट करें। हाँ चलो। तो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक से हुआ तो इस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड में जरूर बदलाव आएगा, जिससे कुछ हो सकता है। वोल्टेज ओके, सेंसर ओके, प्रयोग शुरू करो। वोल्टेज अब तक स्थिर है, सेंसर भी ठीक है। हमने कर दिखाया। अरे ये क्या गड़बड़ हो गई? एक बार फिर कोशिश करके देखते हैं। ये तो अभी भी नहीं चल रहा। अगर हम जो कर रहे हैं वो सही है तो प्लीज प्लीज हमें इसमें सफलता दिलाओ। देखो तुमने कुछ सुना क्या? ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। मुझे लगता है ये रेडियो सिग्नल्स होंगे, है ना? नहीं, इस फ्रीक्वेंसी पर ये मुमकिन ही नहीं। तो फिर चुप रहो। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. क्या ये वही है? वही मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब? हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं हूँ एडिसन, थॉमस एडिसन। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब तो मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या ये सच में उनकी आवाज है? हाँ वही है। हो सकता है गाना सही नहीं था। कोई बात नहीं, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद रियोटा होशिकावा। मैंने न्यूयॉर्क में उस ओझा के माध्यम से तुम्हारे साथ बातें की थी। माफ कीजिए सर, पर हम इस बात पे भरोसा कैसे कर लें कि आप ही असली थॉमस एडिसन हैं? विज्ञान का मतलब ही है सिर्फ आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करना। तुमने इस फोन को बनाने में बहुत मेहनत की है ना पैट्रिक?
ये असली हैं, ये असली हैं। पर अगर आप सच में मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन हैं सर, तो आप हमसे बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब, सुनो, धरती पर संकट आ गया है, बहुत सारे लोग फंस गए, मदद। हाँ? मिस्टर एडिसन ने अभी अभी हमसे कुछ मदद मांगी है ना? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने कुछ साफ सुना नहीं। उन्होंने कुछ जरूर कहा, कुछ संकट है, मुझे मदद चाहिए। तुम लोग भी ना, थॉमस एडिसन ने हमसे मदद मांगी है, इतना चौंको मत। मान लो वो सच में थॉमस एडिसन थे जैसा कि तुम कह रहे हो, और मान लो उन्हें हमारी मदद की जरूरत भी है, तो भी हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं? मेरा मतलब, वो तो आत्मा की दुनिया में है ना, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या तुम मरकर आत्मा की दुनिया में जाना चाहते हो? ये 100% नामुमकिन है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर थॉमस एडिसन को देखने का कोई भी तरीका होता तो मैं खुद वहां जाता, पर ये नामुमकिन है। बात को समझा करो रॉबर्टो। ओ, तो फिर हमें करना क्या चाहिए? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। अगर तुम वाकई आध्यात्मिक दुनिया में जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। पर आप कौन है? मेरा नाम है गॉड ईगल। गॉड ईगल? क्या कहा, गॉड ईगल? क्या आप वही हैं जो? तुम जानती हो इन्हें? सिर्फ नाम से जानती हूँ। प्राचीन इनका में ये सबसे महान और बड़े ओझा थे जो इस दुनिया और आत्मा की दुनिया में आसानी से आ जा सकते थे। तो फिर इनका कहना है कि ये हमें आत्मा की दुनिया में ले जाएंगे? ये जरूर मजाक कर रहे होंगे। ओहो पैट्रिक, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कोई तरीका हो तो तुम एडिसन से मिलने जाते। अब जब मौका मिला है तो पीछे क्यों हट रहे हो? हम आत्मा की दुनिया में कैसे जा सकते हैं? पहले तुम्हें अपने मन को केंद्रित करना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने स्कूल में आध्यात्मिक ध्यान लगाने के बारे में सीखा है। सबसे पहले हमें सीधे बैठना चाहिए। कोशिश करो, अपनी पीठ सीधी रखो और अपनी दोनों आंखें बंद करो और पेट की गहराइयों से सांस लो। सांस अंदर और फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ो, शांति से। सोचो कि तुम्हारे मन की तरंगे शांत होती जा रही हैं। शरीर से अलग हो गई है? रियुटा, यूको, तुम दोनों ठीक तो हो? ये क्या हो रहा है, आखिर हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये आत्मा की दुनिया है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, गॉड ईगल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से हम सबको हिप्नोटाइज किया गया होगा। हे, उधर देखो। चलो अंदर चलते हैं। रियुटा, देखो। वाह, ये दरवाजा तो, ये जरूर कोई सपना है, और अगर ये सपना नहीं है तो हम सब जरूर किसी और दुनिया में पहुंच। आउच!
ये क्या कर रहे हो रॉबर्टो? देखा, ये कोई सपना नहीं है, समझे पैट्रिक? बस बहुत हो गया, मुझे इस डरावनी जगह में नहीं रहना, मैं वापस जा रहा हूँ। पैट्रिक, एक बात बताओ, तुम वापस कैसे जाओगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम यहाँ तक आ गए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर हम घर वापस जाएंगे कैसे, क्या करें हम? ओहो, शांत हो जाओ पैट्रिक। शांत हो जाओ? यहाँ हमारे लेने के देने पड़ गए और तुम कह रहे हो मैं शांत हो जाऊँ? मैं तो हमेशा से ही ऐसा था और ऐसा ही रहूंगा। अब तुम थोड़ी देर चुप रहोगे। क्या बोले तुम? ये क्या हो रहा है? आप ही हैं जिन्होंने? मैं ही गॉड ईगल हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गॉड ईगल, आपने हमें बचा लिया। आत्मा की दुनिया मन की दुनिया है बच्चों, जब आपका मन विचलित हो जाता है तब आप अपने विचारों के मुताबिक ही दुनिया में जाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम नरक की दुनिया में आ गए हैं? गॉड ईगल, अभी हम कहाँ पर है? इसे चौथा आयाम मरणोपरांत क्षेत्र कहते हैं। जिन लोगों की अभी अभी मृत्यु हुई है वो आत्मा बनने के अद्भुत मोड़ पर खड़े हैं। और यहाँ ये उस दशा में होने की आदत डाल रहे हैं बच्चों। क्या मृत्यु के बाद सभी लोग यहाँ आते हैं? नहीं, पहले वो एक खास जगह पर जाते हैं और फिर वो इस नगरी में आते हैं। कैसे खास जगह? क्या तुम सब वहाँ जाना चाहोगे? हाँ, अगर हो सके तो। हम नहीं जा सकते युको, हम यहाँ एडिसन से मिलने आए हैं। पहली बार रॉबर्टो के दिमाग में कुछ अकल की बात आई है। जिस काम के लिए आए हैं चलो वो करें और वापस लौट जाएं। तुम्हें आत्मा की दुनिया की पहचान हो जानी चाहिए, वरना बाद में तुम लोगों को परेशानी होगी। अगर तुम्हें ये सब मंजूर हो तो। नहीं, हम उस जगह को भी देखना चाहेंगे। तो क्या यही वैतरणी नदी है? बचाओ! अरे, वो देखो! बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे! वो सब उसके जीवन की आसक्तियां हैं, वो उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस नदी को पार करते समय तुम्हें अपनी सारी सांसारिक चीजों का त्याग करना ही पड़ता है। और ये डोरियां क्यों है? ये चांदी की डोरियां हैं, ऐसी डोर जो भौतिक शरीर को आत्मा से जोड़ती है। आमतौर पर दिल की धड़कन रुकने के 24 घंटों के बाद ये डोर कट जाती है, तभी सही मायनों में आदमी की मृत्यु होती है। कितना खूबसूरत है ये, कौन जाने ये रास्ता कितनी दूर तक जाता है। वैतरणी नदी पार करके जो फूलों बिछे रास्ते पर चलते हैं वो आखिर में इस जगह पर पहुंचते हैं।
क्या ये मूवी थिएटर है? पता नहीं यहाँ क्या दिखाएंगे। इस जगह नाटक दिखाते हैं जिसे जीवन कहते हैं। उनका जीवन जन्म से मृत्यु तक इस पर्दे पर दिखाया जाएगा। और ये सब कौन है? ये सब उनके मृत दोस्त और रिश्तेदार हैं। इस पर्दे पर सिर्फ वो ही नहीं दिखाएंगे जो उन्होंने किया, बल्कि वो भी जो उन्होंने अपने नश्वर जीवन में सोचा भी होगा। तुम्हारा मतलब उन्होंने जो सोचा वो भी? बचपन, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, नौकरी की शुरुआत, शादी ब्याह करना, नौकरी बदलना, तलाक होना, बर्बाद होना, ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी गलती है। जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, उस दौरान उनके दिमाग में जो भी विचार आए, अब ये नहीं रहे, वो सब यहां पर दिखाया जाएगा। उसके बाद उसे समझ में आ जाएगा कि कहां जाना है, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। मंजिल तक? आधे से भी ज्यादा लोग आजकल उस जगह पर जाते हैं जिसे हम नर्क कहते हैं। हाँ? आधे से भी ज्यादा लोग? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा की दुनिया में यकीन नहीं करते। वो सोचते हैं मौत के बाद कुछ नहीं होता, और इसीलिए वो बिना किसी परवाह के जीते हैं। पर फिर उनका इंतजार करती है कठोर सच्चाई। कुछ ऐसे भी हैं इनमें जिनका स्वागत तालियों से होता है। ऐसे इंसानों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो उनकी मन की दशा के मुताबिक ही होता है। स्वर्ग सुन के अच्छा लगता है ना? स्वर्ग? क्या तुम वहां जाना चाहोगे? हा? स्वर्ग में? आत्मा की दुनिया सिर्फ विचारों की दुनिया है। वो दुनिया तुम्हारे मन के विचारों के मुताबिक होती है। अपने दिल को परोपकार की भावना से भरने की कोशिश करो। क्या कहा, परोपकार? तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें लोगों के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए? हाँ, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे दोस्तों के बारे में। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ। तो क्या ये स्वर्ग है? ये पांचवा आयाम है, अच्छाई का क्षेत्र। ये स्वर्ग का ही हिस्सा है। पांचवा आयाम अच्छाई का क्षेत्र? चलो उस नगरी तक चलते हैं। लगता है बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। तो फिर क्यों ना हम उड़कर चलें? आ जाओ बच्चों। क्या कहा, इसका मतलब हम भी उड़ सकते हैं? आत्मा की दुनिया विचार और सोच की दुनिया है। उड़ने की सोचोगे तो उड़ सकते हो। देखो, यूको उड़ रही है। और मैं भी, बस ये महसूस करो कि तुम उड़ रहे हो। महसूस करो, ठीक है। वाह! तुम्हारा पहला प्रयास सफल रहा।
पांचवा आयाम, अच्छाई के क्षेत्र में लोगों के दिलों में वही विचार होते हैं जिनमें उन्होंने जो पाया उसके लिए आभार हो और दूसरों के लिए कुछ कर पाने की खुशी भरी हो। यही है उनकी नगरी। आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये सब आपकी मदद से ही हुआ है। आपका शुक्रिया। 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 वो रोशनी कैसी है? वो सभी लोग बदले में किसी चीज की कामना नहीं करते। जब भी उनका आभार किसी के पास पहुंचता है, एक उजली रोशनी नजर आती है जो खुशी की निशानी है। हम धरती पर भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं, क्यों है ना दोस्तों? आपको मन में खुशी महसूस होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। जिन लोगों को इस तरह के काफी अनुभव होते हैं वो ऐसी सुंदर सुहानी दुनिया में वापस आ जाते हैं। कोई है? अब हम अंदर कैसे जाएंगे? इस इमारत की चाबी है आपके सपने, आपके आदर्श। उसी से ही ये दरवाजा खोला जा सकता है। हमारे सपने और आदर्श? तुम खुद से सवाल करो, खोजो तुम्हारे दिल में क्या है। मेरा सपना है मैं मेरे स्कूल प्रिंसिपल की सिफारिश पर कॉलेज जाऊं, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय कंपनी को ज्वाइन करूं जहां मैं बनूं चीफ रिसर्चर, और फिर अपनी महबूबा एलिजा से शादी हो जाए, उसके बाद चार बच्चे, नहीं नहीं पांच बच्चे हो जाए। ये सपना नहीं, चाहते हैं। ये सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं। आखिर तुम किसके लिए इतनी कोशिशें करना चाहते हो? सही कहा, किसके लिए? इस परीक्षा में तुम सब सफल हो गए हो। ऐसा लगता है तुम लोगों की आत्माएं काफी विकसित हैं। हम कहां हैं? यह है छठवां आयाम, प्रकाश का क्षेत्र। चलो वहां चलें। हाँ रोबर्टो, पैट्रिक, मैं कहाँ हूँ? ये ऐसी मशीन है जो भौतिक शरीर में दिखने से पहले नक्षत्रीय शरीर की कमजोरियों का पता लगा लेती है। इसे बीमारी का सेंसर भी कहते हैं, जो बीमारी से पहले बीमारी का पता लगाता है। वैसे अभी इसे पूरा होने में काफी वक्त लगेगा। वाह, कितने सारे लोगों की जिंदगियां बच जाती अगर ये मशीन हमारे पास धरती पर होती। ये बिल्कुल वैसी ही मशीन है जैसी मशीन मैं बनाना चाहता था जो सबकी मदद करे। इसीलिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है ना? क्या कहा?
जब ये पूरा हो जाएगा तो इससे घरेलू ऊर्जा पैदा होगी और जाहिर है कि ये बिजली प्रदूषण मुक्त होगी। हो गया फैसला, मेरी तो बस ऐसी ही चीज बनाने की चाह थी। आप लोग तो बहुत महान हैं। पर रोबर्टो, जब ये रिसर्च हो रही थी तब तो तुम भी हमारे साथ थे। मुझे नहीं पता था। वो लोग जो यहाँ छठवें आयाम प्रकाश के क्षेत्र में हैं, वे अपने अपने क्षेत्र में कुशल और बहुत आगे निकल चुके हैं। मिसाल के तौर पर राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान, शिक्षा, कला, धर्म, इनके प्रमुखों ने अपने अपने क्षेत्र में यादगार काम किए हैं। वे लोग इस दुनिया में अपने काम को और आगे ले जाने के लिए वापस आए हैं। इन सभी लोगों की शख्सियत अलग अलग है, पर इन सबका ज्ञान बोध असल में एक ही है। वो ज्ञान बोध है कि वो जानते हैं कि दिव्य प्रकाश का अस्तित्व है जो मानव और आत्मा इन दोनों को जीवित रखता है। दिव्य प्रकाश क्या होता है? लोग इसे दिव्य प्रकाश कहते हैं, अनंत बुद्ध या ईश्वर या उनके नजरिए से सत्य का दर्शन। पर वे सब जानते हैं ये प्रकाश परम शक्ति का स्रोत है और वही नियम है जो इस दुनिया का संचालन करता है। सकरा गेट, यही इसका नाम है। क्यों? दिखने में तो ये गेट काफी बड़ा लगता है। ऐसा तुम सबको लग रहा है, पर असल में है नहीं। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इसे पार कर सकते हैं। इस गेट के पीछे सातवां आयाम है जिसे बोधिसत्व क्षेत्र कहते हैं। पर हाँ, केवल वो लोग ही उस दर्जे तक पहुंच सकते हैं जिनके पास देवदूत बनने की क्षमता है। देवदूत बनने की? पर वो कैसे? सच पूछो तो अब तुम लोगों की परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। तुम्हें 10 बीमार लोगों को ठीक करके इस काम में सफलता पानी होगी। देवदूतों में शामिल होने की यही परीक्षा है, क्यों है ना? मैं ये काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने दादाजी की बहुत सेवा की है। तो चलो करते हैं।
तो हम देवदूतों की दुनिया तक जाएंगे। रूटा, हम वापस आ गए। ये क्या हो रहा है? रियुटा और योको कहाँ गए? वो दोनों देवदूतों की दुनिया में चले गए। तुम दोनों को यहीं रुकना होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपका मतलब है कि हम हमारे टेस्ट में फेल हो गए? लेकिन हमने तो पूरी पूरी कोशिश की थी। सच कहा तुमने, काफी अच्छा काम किया, पर क्या तुम्हारी भावना शुद्ध थी? अरे ये मेरा तो नहीं है। अब माफ करना, शायद गलती से रख दिया होगा मैंने। अब जाने भी दो, इतनी मेहनत कर तो रहा हूं, इतना तो हक बनता है मेरा। तो अब हम देवदूतों की दुनिया तक जाएंगे। हमने पूरी मेहनत की और लोगों ने हमारा आभार माना। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु भी मेरी कोशिशों को पसंद करेंगे। तो क्या रियुटा और युको की सोच साफ थी? दरअसल उनकी बात अलग है बच्चों। उनके मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि उनकी तारीफ हो या उनका आभार माना जाए। दूसरों की मदद करना उनका स्वभाव है और देवदूत या बोधिसत्व बनने की यही मानसिकता होनी चाहिए। तुमने जो आत्मा फोन बनाया था उसका प्रोटोटाइप भी तुमने बहुत ही अच्छे से तैयार किया था बच्चे। हालांकि कुछ बातों को अभी भी ठीक से सुलझाना है, मगर सब देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा, ये हम कहां आ गए? ओह, तो आखिर तुम आ ही गए। मैं तुमसे मिलने को बहुत बेताब था। ठीक कहा ना मिस्टर मात्सुशिता? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मात्सुशिता? क्या ये वही कोनोसुके मात्सुशिता है? और ये इस क्षेत्र में जो भी है वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ताकि वो अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकें। ये तो सकीची टोयोटो है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने देश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए काम किया। ये सभी देवदूत हैं, सच में। तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि देवदूत भी बिजनेस सूट्स और कामकाजी लिबास में दिखेंगे, है ना? आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई रियुटा होशिकावा। मिस्टर एडिसन, आप?
तुम कैसी हो युको? अच्छी तो हो? क्या? मैं हेलन केलर हूँ। आपका मतलब वही हेलन केलर जिन्हें दिखाई और सुनाई नहीं देता था? क्या तुम बोलने और सुनने वाली हेलन केलर को देखकर कुछ परेशान हो गई हो युको? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सब तो मेरे जन्म से पहले ही तय हो चुका था। हम देवदूतों को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। युको, तुम और मैं हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, जानती हो ना? दोस्त रहे हैं? आदरणीय मिस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक देवदूत? बहुत दिनों के बाद दिख रही हो युको। क्या आप मुझे जानती हैं? तुम्हारी हैरानी लाजमी है। जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो उसे अपनी आत्मा की दुनिया को भुलाकर ही जीवन व्यतीत करना होता है। रियुटा और युको तो देवदूत क्षेत्र में से आसानी से निकल गए, पर हम तो फेल हो गए हैं, है ना पैट्रिक? इसमें इतना हंसने की क्या बात है, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। हम तो एक ही टीम है ना, तुम जानते हो ना। फिर केवल रियुटा और युको को ही वहाँ जाने को क्यों मिला और हम यहाँ अटके के अटके रह गए? देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे भी देवदूतों की दुनिया में जाना है, मगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो स्पेशल है, उन्हें जाने को मिल गया और हम स्पेशल नहीं है, हम यही रह गए। ये तो तुमने सच कहा। आखिर वो दोनों ही क्यों? हमने भी इतनी परेशानियां उठाई हैं और अब तो हम एडिसन से भी नहीं मिल सकते। पता है, वो फोन भी मेरे सेंसर्स के बिना पूरा नहीं हो सकता था, कुछ समझे तुम? मेरे बिना वो प्रयोग भी अधूरा था। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये सही बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। शायद प्रभु भी सही नहीं है। हाँ। हम कहाँ हैं? क्या नरक है? ओह, क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम कौन हो? तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग इस जगह पर आकर फंस जाते हैं, तो मेरा यही काम है कि मैं उन्हें सही राह पर ले जाने में उनकी कुछ मदद करूं। हाँ, हम बच गए। कुछ भी करके हमें हमारी दुनिया में वापस जाना है, बस ठीक है? बिल्कुल फिक्र मत करो बच्चों, तुम लोग बस मेरे पीछे पीछे चले आओ, घबराओ मत। आमतौर पर मैं एक बिल्कुल अलग जगह यानी आठवें आयाम में काम करता हूं, जिसे तथागत क्षेत्र कहा जाता है, पर कभी कभी मैं यहां सातवें आयाम में आकर देवदूतों को सिखाता हूं या विशेष योजनाओं में भाग लेता हूं, जैसा कि मैं तुम्हारे सामने अभी कर रहा हूं। हम तुम दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। हाँ तो मिस्टर एडिसन, आखिर आपने मुझे ही आत्माफोन बनाने के लिए क्यों चुना? हम यहाँ इतनी दूर सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपने कहा आप किसी मुसीबत में हैं। आप सोच भी नहीं सकते हम कितना घबरा गए थे। शांत शांत हो जाओ नौजवान। ओके सर। दरअसल मैं तुमसे विज्ञान के विषय पर कुछ बातें करना चाहता था। एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पुनर्जन्मों के बारे में जानते हो? हाँ? ओ, आपका मतलब पिछला जन्म? तुम नहीं जानते कि पुनर्जन्म क्या है? तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए। जी। इंसान बार बार जन्म लेता है और अलग अलग कार्य करता है, पर वो एक सलीखे काम में लगा रहता है। ये मेरे आविष्कारों का संग्रह है। आखिर में मैं एडिसन बनकर पैदा हुआ और मेरे ख्याल से मैंने बिजली का बल्ब, चलचित्र और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, पर उससे पहले मैंने जर्मनी में टाइपोग्राफिक प्रिंटिंग की खोज की थी। आपका मतलब गुटेनबर्ग? और उससे पहले मैं चीन में जन्मा था। उस जन्म में मेरा नाम था साइलुन और उस वक्त मैंने प्रिंटिंग पेपर का इजाद किया था। पेपर के आविष्कार से बौद्ध धर्म के सूत्रों को प्रकाशित करने में बहुत मदद मिली। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण बाइबल का प्रचार प्रसार और आसान हो गया।
तुम्हारी समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ? मैं इस वक्त जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच्चे अर्थों में साइंस का सार है। देखा जाए तो साइंस एक दृष्टि से सुविधा है। ये वो शक्ति है जो सभ्यता को बढ़ावा देती है, जिससे मानव जाति को नए नए और अलग अलग प्रकार के अनुभव मिलते हैं। मानव जाति के लिए नए अनुभव? नए अनुभवों को पाते हुए हमें खुशी का जो एहसास होता है उससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। मुझे लगता है कि धरती पर इंसान के पैदा होने का यही मकसद है। बहरहाल जब हम विज्ञान के सार को भूल जाते हैं और सिर्फ सुविधाओं के पीछे भागना शुरू कर देते हैं तो मुसीबत में पड़ते हैं। तुमसे मदद मांगने के पीछे मेरी सिर्फ यही मंशा थी। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था कि आज साइंस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साइंस पर खतरा मंडरा रहा है? कुछ समझा नहीं। कारण यह है कि हमारा झुकाव केवल सांसारिक दुनिया की तरफ रह गया है और आत्मा की दुनिया को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ? सच तो यह है कि विज्ञान में विकास तभी मुमकिन है जब आत्मा की दुनिया के बारे में नए आविष्कारों को साकार किया जाए। मिसाल के तौर पर आत्मा की दुनिया के अलग अलग आयामों में खुले रूप से घूमने और आवागमन के सिस्टम की खोज साकार हो सकती है। अंतरिक्ष वासियों के साथ लेन देन, व्यापार, जरूरी चीजों का आदान प्रदान और व्यवहार मुमकिन हो सकता है। आध्यात्मिक ऊर्जा की जांच पड़ताल करके ऊर्जा की समस्या और संकट को सुलझाया जा सकता है, जो कि दुनिया भर के लिए साफ और सुरक्षित ऊर्जा का भरपूर भंडार देगी। यही तो है आत्मा की दुनिया का विज्ञान। जैसे विज्ञान को न मानने वाले धर्म गायब हो रहे हैं, वैसे ही आत्मा की दुनिया को न मानने वाले विज्ञान के लिए भी कोई भविष्य नहीं है। हम वैज्ञानिकों को साहस के साथ पूरी दुनिया के सामने इस सत्य को साबित करना है कि आखिरकार इस धरती पर बसी दुनिया ही सब कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे गैलीलियो और कोपरनिकस ने किया था। जब आप जीवित थे तब आपने आत्मा फोन बनाने की कोशिश की थी, क्या आप मुझे उस बारे में कुछ बता सकते हैं? वो कोलंबस एक जैसा है जो मैंने नौजवान वैज्ञानिकों के लिए छोड़ा था, ताकि वो नौजवान वैज्ञानिक आत्मा की दुनिया के नए नए तथ्यों को ढूंढ सकें और जानें कि आत्मा की दुनिया की खोज के लिए और अधिक बुद्धि और साहस की जरूरत है। तुम यहां जिस जगह पर हो वो इस आत्मा की दुनिया का सातवां आयाम बोधिसत्व देवदूतों का क्षेत्र है। यहाँ तो अलग अलग धर्म के देवदूत मौजूद हैं। धरती पर तो धर्मों में हमेशा टकराव होते रहते हैं। युको, क्या तुम पुनर्जन्म के बारे में जानती हो? जी हाँ। इंसान अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेते रहते हैं। हो सकता है आपके देश में आतंक का साया मंडरा रहा हो और वहां का आतंकी पिछले जन्म में आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई प्रिय रिश्तेदार रहा हो, पर अब वो आपका जानी दुश्मन है। यही मानव जीवन की सच्चाई है युको। अगर सभी लोग इस बात को जान ले तो ना तो टकराव होगा ना ही जंग। इसी वजह से तो हम देवदूतों को इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि सभी इंसानों को सत्य का ज्ञान हो सके। युको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि देवदूत पृथ्वी पर कैसे काम करते हैं। समझने की कोशिश करो, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं जिंदा हूँ? ठीक है, जरा मुझे देखने दो, मुझे तुम्हारी नब्ज देखनी होगी। तुम्हारी नब्ज तो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि धरती पे कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद आत्मा बन जाते हैं तो घबरा जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो वही अपने परिवार के साथ बने रहते हैं। इससे काफी परेशानी होती है। देवदूतों का ये भी काम है कि वो ऐसे लोगों का ध्यान रखें, उन्हें विश्वास दिलाएं। वो लोग अलग अलग जगहों पर महान काम करने वालों का मार्गदर्शन भी करते हैं।
बहुत सारे ऐसे देवदूत भी हैं जो धरती पर जन्म लेते हैं और बहुत कड़ी मेहनत भी करते हैं। मैं नहीं जानती थी कि हमारे देवदूत इतनी मेहनत करते हैं। और फिर भी हम कई आत्माओं को बचा नहीं पाते और बहुत सारी आत्माएं नर्क पहुंच जाती हैं। मदर टेरेसा, देवदूत तो उन अशांत आत्माओं को बचाने के लिए नर्क में भी पहुंच जाते हैं। कौन हो तुम? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। देवदूत इतना कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि आत्माओं को बचाना उनका ही काम है। इससे उन्हें परम सुख मिलता है। देवदूतों को किसी भी चीज की चाहत नहीं होती। वो लोग तो प्रेम देने में खुशी से रोशन होते हैं, जो कि प्रभु का दिया हुआ है। बस और कुछ भी नहीं, उन्हें तो बस इसी काम में अपार खुशी मिलती है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। अपार खुशी? हमारे दिल के अंदर ये उम्मीद हमेशा जगी रहती है कि एक लगातार दिव्य शक्ति है जो इस दुनिया को आदर्श लोक बनाना चाहती है, और उसका मकसद अवश्य पूरा होगा और दुनिया का हर प्राणी इस सच्चाई को समझ लेगा। हम इस प्रेम की गहराई को महसूस कर सकते हैं, हम दिल में इस हकीकत को जानते हैं। इसलिए हम अपने आप को दूसरों के लिए प्रेम देने से नहीं रोक सकते। हम अपने आप प्रेम की शक्ति बन जाते हैं, या प्रेम की वो लहर जो हमारे हृदय से निकलकर आसपास की सारी दुनिया में बह रही है। यही तो खुश होने का सही अर्थ है। सही मायनों में इसे ही खुशी कहते हैं। मुझे भी ऐसी ही खुशी हासिल करनी है। ये तो सच है मिस्टर एडिसन, पूरी दुनिया में विज्ञान में आपको कोई मात नहीं दे सकता। मिस्टर एडिसन मानव जाति के सबसे महान वैज्ञानिक। नहीं, ये बात सच नहीं है। धरती का सबसे महान वैज्ञानिक अगर कोई है तो वो है थॉट। थॉट? वे लगभग 12,000 साल पहले एटलांटिस में थे। उन्हें कहा जाता था सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान। सबसे महान गुरु थॉट की छत्र छाया में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिक दर्शन को एक साथ मिलाया गया और फिर अटलांटिस सभ्यता को महान समृद्धि मिली। यही वो आत्मा है जो कुछ हजार सालों में धरती पर जन्म लेती है और देवदूत के पुण्य काम करती है। क्या? मिसाल के तौर पर मू साम्राज्य के ला मू, रियन ऑल क्लाउड, प्राचीन इनका सभ्यता के राजा, और फिलिस जिसने ग्रीस के वैभव का निर्माण किया, और हर्मस भी, साथ में इंडिया के बुद्ध। ये आत्मा हर बार धरती पर आती है जब भी सामाजिक जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है। इस आध्यात्मिक शक्ति को हम कह सकते हैं ईश्वरों का ईश्वर। इन्हें हम कहते हैं प्रभु एलकांतारे। प्रभु एलकांतारे? हाँ, उनका अस्तित्व यहाँ इस स्वर्गिक दुनिया में भी अनजाना ही है, जो बहुत समय से रहस्यमयी पर्दों के पीछे छुपा हुआ था। वो सबसे पवित्र आध्यात्मिक दुनिया से आते हैं, जो है नौवा आयाम यानी ब्रह्मांड क्षेत्र। नौवा आयाम ब्रह्मांड क्षेत्र? ये हमेशा से पर्दों के पीछे ही रहा है, फिर भी यहीं पर मानव जाति का भविष्य भी रहता है। वो मिस्टर एडिसन है? नहीं, तुम्हें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसकी वजह? नौवे आयाम में जाने की तुम्हारी इच्छा को मैं समझ सकता हूँ, पर दरअसल ये तो वैसी ही बेवकूफी होगी जैसे सूरज में छलांग लगाना। बहरहाल, आठवें आयाम तथागत क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। आओ इस आध्यात्मिक लिफ्ट में आ जाओ। आमतौर पर आठवें आयाम यानी तथागत क्षेत्र की पवित्र दुनिया की एक झलक पाना भी नामुमकिन होता है, पर अब यह मुमकिन हो गया है। सच पूछा जाए तो ये आत्मा की दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है, और इसे मैंने ही तैयार किया है। अब सच्ची समृद्धि पाने के लिए
तुम्हें पूरी हिम्मत से काम लेना होगा बेटे। जी सर। इस दुनिया में आने के बाद आखिरकार मैंने सत्य को जान ही लिया, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा काम यहीं पर समाप्त नहीं होता मेरी बच्ची। अब तुम्हारा काम है इस सत्य को धरती पर उन लोगों तक पहुंचाना जो इसे भूल चुके हैं। पर फिक्र मत करो, इसके लिए तुम अकेली नहीं हो। हाँ? जब भी तुम किसी को प्रेम दोगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे आसपास हम मौजूद होंगे। इसलिए तुम हिम्मत रखो युको। जी। एक बात और युको, तुम्हारे जन्म के साथ ही एक ऐसे इंसान का भी जन्म हुआ है जिसके साथ तुमने शादी का वादा किया था और उसके साथ सुखमय जीवन बिताने वाली थी। सच में? युको, आप तो वही महान वैज्ञानिक है जिनका मैं तहे दिल से आदर करता हूँ। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो क्या इसलिए कि मैं ऐसा दिखता हूँ? इसकी वजह ये है कि मैं खुद को ऐसा दिखा रहा हूँ। इस आध्यात्मिक दुनिया में हमें हमारी नश्वर छवि को दिखाने की जरूरत नहीं होती। तुम ये कह सकते हो कि मैं एक रोशन चीज हूँ जिसे फिजिक्स में कुशलता हासिल है। आठवें आयाम तथागत क्षेत्र में मेरे जैसे ही करीब 500 हस्तियां हैं, पर तुम हमारी गिनती नश्वर अंकों के आधार पर बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि मैं कई अंकों में बढ़ सकता हूं। एक ही अनेक है और अनेक है एक, यही है आठवें आयाम तथागत क्षेत्र का ज्ञान बोध। हम लोग चीजों को वैसे नहीं मापते जैसे तुम मापते हो। यहां पर वक्त को मापने का भी कोई पैमाना नहीं है। यहां आत्मा की दुनिया में हमारे पास वक्त का कोई रूप नहीं है, क्योंकि यहां पर इस दुनिया में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक ही है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब एक ही है? आसान शब्दों में कहूं तो देखो, इस गोल कांच के बर्तन में तीन गोल्डफिश तैर रही हैं, जो है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तीनों इसी गोल बर्तन में इधर उधर घूमती रहती हैं। मैं अपना ध्यान भूतकाल पर लगाकर वहां जा सकता हूं। या भविष्य में अगर यहां रहना हो तो। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसी सिद्धांत के मुताबिक मैं ये सोच रहा हूं कि 30वीं सदी में पैदा होकर एक टाइम मशीन बनाने की कोशिश करूं और उसमें सफल हो जाऊं। समझ गए तुम?
ये सब उस बात पर निर्भर होगा कि तुम किसे सत्य मानते हो। ये सांसारिक दुनिया पल दो पल ही है, आत्मा की दुनिया ही असली दुनिया है, पर ये आत्मा की दुनिया भी अस्थाई है। हर एक दशा दरअसल शाश्वत बुद्ध का मन का आईना है बच्चों। शाश्वत बुद्ध का मन? हाँ, शाश्वत बुद्ध के मन के बिना ये ब्रह्मांड और आत्मा की दुनिया एकदम गायब ही हो जाएगी, फिर भी ये दुनिया एकदम अडिग रहेगी। बहुत ही दिलचस्प बात है ये, है ना? शाश्वत बुद्ध ने ये दुनिया आखिर बनाई ही क्यों? शाश्वत बुद्ध ने ये दुनिया क्यों बनाई होगी, इसका कारण? बदकिस्मती से इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम बच्चों, ये खुद मेरे लिए एक रहस्य है। अगर इसका कोई जवाब है तो मेरे ख्याल से वो होगा नौवां आयामी ब्रह्मांड क्षेत्र, गॉड ईगल। पैट्रिक और रॉबर्टो को दुष्ट आत्माएं अपने साथ ले गई हैं। हमें किसी तरह उन्हें बचाना होगा। रियुटा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। गॉड ईगल, मुझे वहां ले चलिए जहां उन्हें पकड़ा गया है। रुको रियुटा, मैं भी चलती हूँ। नहीं यूको, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी तो मैं बहुत पछताऊंगी। जल्दी करो बच्चों। ठीक है तो चलो। मैं जान गया हूं, अब मैं सत्य का साथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। ये नर्क का एक भाग है जिसे कलह का नर्क कहते हैं। ये वो दुनिया है जहां वही लोग हैं जिनके दिल में गुस्सा और नफरत भरी हुई है, या वो जो लोगों को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाते रहते हैं। ये टकराव और विनाश की दुनिया है। तुम किसी ये ऐसा नर्क है जिससे निकल पाना मुमकिन नहीं। यहाँ वो लोग आते हैं जो खुशहाल और कामयाब लोगों से जलते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जो आंखें मूंद कर होड़ लगाने में शामिल रहते हैं। ये खूनी तालाब का नर्क है। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो अपने विपरीत लिंग वालों के लिए मन में वासना, लालसा और वहशीपन भरे रहते हैं। वो लोग यहाँ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें अपनी घिनौनी हालत का एहसास ना हो जाए और वो इंसानों की तरह व्यवहार न करने लगे। ये आम लोगों जैसे दिखते हैं और वैसे ही जीवन व्यतीत करते हैं। मृत्यु के बाद जब आत्माएं उनके शरीर को छोड़कर जाती हैं, उनके मन में विचार 100 गुना ज्यादा बेतुके ढंग से बड़े विकराल दिखते हैं। एक समान लोगों में आकर्षण होता है और खून के रिश्तों वाली आत्माएं यहां इकट्ठा होकर ये बेतला गड्ढा बनाती हैं। अगर इन्होंने ही ये बेतला गड्ढा बनाया है तो अब फिर ये इसमें से बाहर कैसे आ सकती हैं? उनके पास बस यही रास्ता है कि पछतावा करें और मानव होने का असली सार वापस हासिल करें। मानव होने का असली सार? ऐसा प्रेम जो दिया जाए। प्रेम जो दिया जाए? वो दिल जो प्रेम देता है बिना कुछ पाने की लालसा किए। जो लोग प्रेम देना ही भूल जाएं और दूसरों से उम्मीद करें, जो लोग सही प्रेम की परिभाषा ही न जानते हों, वो लोग यहां नरक में आते हैं। बहरहाल, दुष्ट आत्माएं बहुत नीचे गहराई में रहती हैं। उन्हीं दुष्ट आत्माओं के बीच कुछ ऐसी हैं जो पहले देवदूत थीं। अच्छा? वो लोग धरती पर इंसान बनकर पैदा हुए। शायद उन्होंने गलत रास्ता चुना होगा, लालची बन गए होंगे या गलत धारणाओं का साथ देने लगे होंगे।
हर कोई इसी तरह पतन के रास्ते पर जाता है। बच्चों अब आगे छुपकर रहने की कोशिश करो। अरे वो रोशनी कैसी है? वो देवदूतों की रोशनी है। वहां से देवदूत नरक में बहुत गहराई तक जाते हैं और कष्ट भोगने वालों को बचाते हैं। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। नीचेस, देखो पैट्रिक, रॉबर्टो, जाग जाओ। वो दोनों सिर्फ वही सुन सकते हैं जो मैं उनसे कहूंगा। उनके दिमाग को जरूर सुन्न कर दिया गया होगा। मेरे दोस्तों को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे तो तुमसे ही बात करनी थी। चलो तुम आ गए हो तो ठीक है। हमें सारी दुनिया भर से तुम जैसे बेहतरीन लोगों की तलाश है, ऊंचे दर्जे के लोग, ताकि हम वाकई शानदार नई दुनिया बना सकें। क्या नई दुनिया बनाना चाहते हो तुम? हाँ, एक अलग दुनिया। अब वक्त आ गया है कि तुम जाग जाओ। धरती पर तुम्हारे बहुत सारे साथी पहले ही जाग चुके हैं। क्या? ये मन हमारे दिमाग की ही उपज है। आत्मा का कोई वजूद नहीं होता। देखो, इंसान को सच्ची आजादी मिल जाती है जब वो लोग ईश्वर पर विश्वास करना बंद कर दें। देखो बच्चे, इंसान को सच्ची आजादी मिल जाती है जब वो लोग ईश्वर या अनंत बुद्ध पर विश्वास बंद कर दें। आजादी? जिस आजादी की तुम बात कर रहे हो, ये वो आजादी है जो लोगों को दुख पहुंचाती है। लेकिन सच्चाई ये है, हम यहाँ आध्यात्मिक दुनिया पर उसी दर्जे में लौटते हैं जिसमें हमने अपना जीवन धरती पर जिया है। चाहे जो भी हो, तुम जो भी कह रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम नर्क से कह रहे हो, जिससे यही साबित होता है कि तुम्हारी सोच गलत है। क्योंकि तुम दुखी हो, इसलिए दूसरों को भी वैसे ही दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। सच तो ये है, अभी जागने की जरूरत तुम्हें है। रियोटा, वो जाग गए। माफ करना हमें, तुम्हें हमारे लिए यहाँ तक आना पड़ा। दोस्त होते किसलिए हैं पैट्रिक? वो शैतान आध्यात्मिक दुनिया का है, बिहीमोस। नीचे से मैंने पहले ही कहा था, ताकत से काम लेना चाहिए। ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो हमारे लिए और मुसीबतें खड़ी करेंगे। अच्छा यही है कि अब उन्हें हम खत्म कर दें। बेही मौत। हाँ,
चल दो उन्हें। उसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। हमें बचाने आए हैं। ईश्वर की हार हो गई, हार हो गई ईश्वर की, ईश्वर की हार हो गई। सच्चाई की कभी हार नहीं होगी, सच की कभी हार नहीं होगी। सब लोग पीछे हट जाओ। आखिरकार ईश्वर हार गया, ईश्वर हार गया। सच की कभी नहीं हार नहीं होता। युटा संभल के, युटा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। युको चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगा। सुनो,
तुमने कर दिखाया रूटा। तुमने उसे हरा दिया। चलो अब चलते हैं। देखो वो हमारे पीछे आ रहे हैं। वो बाहर निकल रहे हैं। स्वर्ग में खलबली मच जाएगी। वो देखो गॉड ईगल। मुझे बहुत अफसोस है, हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। सच में हमें बहुत अफसोस है। जो हुआ उसे भूल जाओ। हमें खुशी है तुम दोनों ठीक हो। ओ नहीं, अब क्या होगा? कहीं ये आध्यात्मिक एलिवेटर तो नहीं? नौवां आयाम ब्रह्मांड क्षेत्र, पर क्या मैं वहां जा सकता हूं? लगता तो यही है। गॉड ईगल, अगर तुम्हारी आत्माएं नवें आयाम की बेहद तेज रोशनी को सह पाएं तो तुम वहां जा सकते हो। और अगर हम वो ना सह पाए तो? हम मरेंगे थोड़ी ही, हम पहले से ही यहां आत्माओं की दुनिया में हैं। अभी तक किसी ने इसे आजमाने की कोशिश नहीं की, इसके बारे में मैं कुछ यकीन से नहीं कह सकता। क्या हमारी आत्माएं एकदम गायब हो जाएंगी? मैं तो बस अब यहीं रहूंगा। मैं तो सातवें आयाम तक भी नहीं पहुंच पाया था। मैं भी यहीं रहूंगा, पर मैं जरूर जाऊंगा। रियुटा, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी के लिए इतना अनुभव ही काफी है? तुम एकदम गायब भी हो सकते हो, फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोबारा वापस कभी ना आ पाओ। मैं फिर भी जाना चाहता हूँ। रियुटा, शाश्वत बुद्ध ने आखिर ये दुनिया क्यों बनाई? इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते हैं? हम सभी के जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है? अगर मुझे इस अनंत सत्य की हल्की सी झलक भी मिल जाए और उसके बाद मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे वो भी मंजूर है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों वहां जरूर पहुंचोगे। हाँ, और तुम दोनों वापस जरूर आ जाना। प्रभु, मैंने अपना मकसद पूरा किया।
कब शुरू इतिहास, क्या भविष्य के पास, क्यों घूमते हैं ग्रह, ये सब के सब, क्यों है दिन और रात, है शरीर मेरे साथ, क्यों नजर आती है आत्मा मेरी, क्यों जन्म लेते हम, होने के लिए खत्म, दर्दों से घिरे हैं सब अपने, कैसे देखूं मैं फिर भी खुशी के सपने, क्यों है मोह माया का ये सारा सिलसिला, क्या है मैंने खोया और क्या है मुझको मिला, चाहता हूँ अब तो बस मोक्ष मुझको मिले, छोड़ सकता हूँ सोना चांदी, मैं मोक्ष के लिए न आरंभ न कोई अंत, ऐसे जीवन की इच्छा है, सपना लगता है जो भी सच है, वो ही जो है सच असलियत में, सपना है वो तो विज्ञान के परे, क्या कोई है दुनिया, गर है वो दुनिया तो वो कैसी है, ज्ञान के परे क्या कोई दुनिया है, गर है वो दुनिया तो वो कैसी है, अनजानी उस दुनिया में है रोशनी, बुद्धा के ज्ञान की रोशनी है वो, चाह हूँ अब तो मुझे मोक्ष मिले, मैंने अपना मकसद पूरा किया, ना आरंभ ना अंत कोई ऐसा जीवन हो, सारे बंधनों से दूर हो जाऊं, इच्छा वही बस वो जीवन पाऊं, वो दुनिया अनदेखी अनजानी कैसी है और है कहां, किसने है रची ये दुनिया, किसकी रचना है ये अजूबा, Yeah.
युको, युको, रियोटा, उठो, हम नौवें आयाम में हैं। ये तो ईसा मसीह है, कन्फ्यूशियस, मोसे, न्यूटन और तो क्या असल में यही अपनी दुनिया के धर्मों और आदर्शों का स्रोत है? प्रभु एलकंतारे, जागो, आज के थॉट, युको? ये एक नया विमान है, ये अटलांटिस के इतिहास में मशहूर हो जाएगा। अटलांटिस? क्यों मिले हैं हम दोनों, आखिर क्या है वजह, जो भी हुआ है क्या हुआ वो यूं ही, जाने क्यों मेरा दिल धड़के है इस तरह, तुम ही बोलो ना क्यों होता है ये मेरे साथ। जन्मों जन्मों का नाता है हमारा, बदला
कुछ भी नहीं मुझको चाहिए, संग मेरे यूं ही चलते रहिए। नहीं बिछड़े अब कभी, है बस आरज़ू यही, जो मिला है मुश्किल से हो सदा के लिए, ना टूटे अब ये साथ हो हमेशा। एटलांटिस के युग में हम दोनों का एक साथ जन्म हुआ था, उसी युग में जिसमें प्रभु थॉट का भी जन्म हुआ था। प्रभु थॉट, तुमने अभी अभी शाश्वत रहस्य की एक झलक देखी। अपने उस अनुभव को अपने हौसले का आधार बनाओ और सुखमय शानदार जीवन जियो, महान भविष्य पाओ। मैं कसम खाता हूं, आत्मा की दुनिया से मैंने जो सत्य सीखा है मैं उसे साबित करूंगा और अपने जीवन में उसका पालन करूंगा। क्या वो सपना था? अगर सपना था तो एकदम सच्चा लग रहा था। तुम क्या बात कर रहे हो, वो सब एकदम सच्चा था। वो सपना असली था और असलियत थी उस सपने में।
ठीक कहा ना मैंने? इसका मतलब जानू मैं ना जानू क्यों हुआ अब आखिर हम दोनों का मिलन होना था यही होता है वही जो लिखा है अब अपना ये मिलन एक नया रंग लाएगा जन्मों जन्मों जो है लिखा जाता वो चांद और वो तारे गवाही हाँ देते हैं सारे मिले थे हम पहले भी कहीं अब पहले देखा हाँ हमने मिलकर छोड़ेंगे ना अब हम ये हाथ जब तक सांसें देंगे साथ वादा ये किया है हमने ये उसकी इच्छा है जो हुई है क्या है वजह जो भी हुआ है क्या हुआ वो बस यूं ही जाने क्यों मेरा दिल धड़के है इस तरह तुम ही बोलो ना क्यों होता है ये मेरे साथ जन्मों जन्मों का नाता है हमारा बदला बदला सा ये मंजर है अब वो सारा याद आ रहे हैं दिन जब रहते एक दूजे के बिन सपना जो देखा था कभी वो हुआ है पूरा शायद मिल गया साथ तुम्हारा अब कुछ भी नहीं मुझको चाहिए संग मेरे यूं ही चलते रहिए नहीं बिछड़े अब कभी बस आरज़ू यही जो मिला है मुश्किल से वो सदा के लिए ना टूटे अभी साथ वो हमेशा हाथों में ये हाथ जानू ना जानू मैं क्यों हुआ अब आखिर हम दोनों का मिलन होना था यही होता है हाँ जो लिखा है अब अपना ये मिलन एक नया
जन्मों जन्मों का है अपना नाता, होता है वही जो है लिखा जाता। वो चाँद और वो तारे गवाही देते हैं सारे, मिले थे हम पहले भी कहीं, अब फिर से मिल गए हैं हम वही। सपना पूरा हुआ, सदियों पहले देखा था हमने मिलकर, छोड़ेंगे ना अब हम ये हाथ जब तक सांसें।